हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए सभी बच्चे अपनी अंतरा व्याकरण एवं रचना बुक निकालिए। पाठ दो, हम कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? पाठ दो, जिसका नाम है वर्ण। क्या है वर्ण? बच्चों, अभी तक आपने पढ़ा था, इन शब्दों को पढ़ा था आपने, और फिर इनको अलग अलग तोड़ कर हमने लिखा था, और फिर ये देखा था कि इनमें कितनी ध्वनियाँ होती हैं। इन जो चार शब्द पढ़े थे अभी हमने, और देखा था हमने कि इनमें कितनी ध्वनियाँ होती हैं। उसके अलावा हमने वर्ण की परिभाषा पढ़ी थी, वर्णों के भेद पढ़े थे। वर्णों को तीन भागों में बांटा गया है, स्वर, आयोगवा और व्यंजन। स्वर के विषय में पढ़ा था, स्वर कौन से होते हैं और कितने होते हैं? 11 होते हैं। उसके बाद हमने आयोगवा पढ़े थे, आयोगवा कौन कौन से होते हैं। व्यंजन पढ़े थे, व्यंजन कौन से होते हैं, कितने होते हैं। ठीक है, व्यंजन जो क्या होते हैं, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। क्या आपके सभी व्यंजन दे रखे हैं? इसके अलावा दो अतिरिक्त व्यंजन भी होते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के विषय में भी हमने पढ़ा था कि संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, छात्रा, ज्ञाश्रा, ये सब। और ये कैसे बनते हैं? ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। उसके अलावा हमने एक और स्वर पढ़ा था, ओ। कौन सा? ओ स्वर, जिसको भी स्वर में लिया गया है, वो किन में यूज़ होता है, किन में प्रयोग होता है? वो उसमें होता है जो शब्द अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आए हैं उनमें होता है, जैसे डॉक्टर, ऑफिस, ट्रॉफी। और एक स्वर और होता है स्वर की तरह, जा और फा। व्यंजनों को भी अरबी और फारसी भाषा के प्रभाव से हिंदी में लिया गया है। कौन सी भाषा के? अरबी और फारसी भाषा के। ठीक है, जैसे फन, ज़रा। ठीक है, इनको लिया गया है। आज हम पढ़ेंगे स्वरों की मात्राएं। क्या पढ़ेंगे हम? स्वरों की मात्राएं। देखिए, सभी स्वर मूल रूप से या मूल रूप में भी प्रयुक्त होते हैं और मात्राओं के रूप में भी। जो स्वर होते हैं ये दे रखे हैं, ये मूल रूप इनका ये है। क्या है ये? इनका मूल रूप है। मात्राओं का रूप क्या है, हम आगे देखते हैं। देखिए, प्रयुक्त होते हैं जो सभी स्वर जो होते हैं वो मूल रूप से प्रयुक्त होते हैं और मात्राओं के रूप में भी। व्यंजनों के साथ स्वरों का रूप या चिन्ह लगता है। क्या लगता है? जो व्यंजनों के साथ प्रयोग होते हैं ये, तो इनका क्या लगता है? चिन्ह लगते हैं, इनकी मात्राएं लगती हैं, जिसे क्या कहते हैं? मात्राएं कहती हैं। देखिए, व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर के विशेष चिन्ह क्या कहलाते हैं? मात्राएं। क्या कहलाते हैं? मात्रा कहलाते हैं। देखिए कैसे, हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर मिला रहता है। जब हम हिंदी वर्णमाला बोलेंगे, आप कुछ भी हिंदी की वर्णमाला में बोलिए, का बोलिए, खा बोलिए, जब आप बोलेंगे तो अंत में एक स्वर निकलता है जो आ की तरह होता है। आप देखिए, का निकल रहा है लास्ट में, अंत में क्या निकल रहा है? आ निकल रहा है। ऐसे ख, ग, घ, तो ये सब क्या है, लास्ट में जो निकल रहा है कौन सा स्वर निकल रहा है? आ स्वर निकलता है। इसलिए आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। किसकी मात्रा नहीं होती है? आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। अन्य स्वरों की मात्राएं इस प्रकार है। देखिए, आ, आ की कोई मात्रा नहीं है। बड़ा, बड़ेया की मात्रा होती है, एक डंडा खींच के। ई की मात्रा होती है छोटी ई की, इधर से लगती है। बड़ी की भी होती है जो इधर से लगती है। देखिए, ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ऋषि, रा लगता है नीचे की तरफ। ए की मात्रा, बड़ी ए की मात्रा, ओ की मात्रा और बड़े ओ की मात्रा। ठीक है, ये सारी मात्राएं दे रखी हैं, ये आपने पहले भी पढ़ी होंगी, सब आप जानते हैं आप लोग इसके बारे में कि मात्राएं किस तरीके से लिखी जाती हैं। ठीक है, और जब ये मात्राएं लिखी जाती हैं तो देखिए, जैसे दा है, हमने केवल एक शब्द लिया दा, दा में, सॉरी, एक वर्ण लिया दा, दा में हमने केवल दा कोई मात्राएं लगाई तो क्या हो गया? दा। पर लिखेंगे से दा प्लस आ, क्योंकि इसमें आ जो स्वर निकल रहा है, आखिर में आ स्वर निकल रहा है। ऐसी दा, तो दा में दा प्लस आ, तो दा, दा। फिर दी में छोटी मात्रा लगाई तो दी, बड़ी मात्रा लगाई तो बड़ी, तो दी। दू, छोटी मात्रा लगाई तो दू, बड़ी मात्रा लगाई ऊ की तो दू। इस तरीके से ये सारी मात्राएं आपकी दे रखी हैं, ये दे रखी हैं। जब हमने इनको लगाया तो हमारे जो एक वर्ण था, केवल व्यंजन था जो एक, वो कितने रूप में बदल गया? आप देखिए, दा, दा, दी, दी, दू, दू, द्र, दे, दे, दो, दो,
इस तरीके से इसके इतने रूप हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि इसमें हमने मात्रा का प्रयोग कर दिया। ठीक है, तो आप इस सब मात्राओं को पढ़िएगा किस तरीके से रखा है। ठीक है, और आप पूरा अपना, आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब अगली क्लास में हम आपकी बुक एक्सरसाइज पढ़ेंगे, फिल करेंगे और इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। आपका होमवर्क घर से है रचनात्मक गतिविधियाँ दे रखी हैं आपको। देखिए, चित्र देखकर निम्नलिखित शब्दों को उचित मात्रा लगाकर पूरा कीजिए। आपको जो शब्द दे रखे हैं इन सबको उचित मात्रा लगा के इनको फिल करना है पूरा बुक में। ठीक है, यही आपका होमवर्क है। और बुक एक्सरसाइज हम अगली क्लास में इसकी फिल करेंगे, क्वेश्चन आंसर और बुक एक्सरसाइज। आपको एक बार फिर से ये पाठ पढ़िएगा, सारी परिभाषाएं पढ़िएगा, वर्ण किसे कहते हैं, स्वर कितने होते हैं, आयोगवा कौन कौन से होते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, सब पढ़िएगा। ये संयुक्त अक्षर कौन से होते हैं, स्वर की मात्राएं कैसी, किसकी कैसी मात्रा होती है, ए की कौन सी की मात्रा होती है, ऊ की कौन सी होती है, आप जानते हैं। एक बार इसको फिर से भी रिवाइज करिएगा। आज का आपका होमवर्क यही है कि आप इसके पढ़ेंगे और पीछे जो गतिविधियां दे रखी हैं रचनात्मक गतिविधि, ये आपको अपनी बुक में फिल करनी है। ठीक है, ओके बच्चों।